जी और जो हमारे विंग कमांडर अभी नंदन सर हैं जी वो कल रिलीज करने की बात कही जी तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। आई थिंक जेनीवा कन्वेंशन में के हिसाब के मुताबिक भी ऐसे ही होना चाहिए। सो जो भी हो रहा अच्छी बात है। एंड आई थिंक मैंने अभी कहीं कहा था पहले कि यू नो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर नो परमानेंट फ्रेंड्स। सो वी शुड ऑलवेज लुक एट हम क्यों चाहेंगे कि हमारे पड़ोसियों से मारामारी चल रही हो, हमारे लोग फौज में जा रहे हों, और हम चाहेंगे अच्छा होना चाहिए। इट्स अ गुड साइन एंड आई थिंक इंडियन शुड टेक इट एंड पाकिस्तानी शुड ऑल्सो नॉट मेक इट कि हम जीत गए ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। शुड बी डन विद लॉट ऑफ क्लास एंड बोथ द कंट्रीज हैव टू शो अ लॉट ऑफ पॉइज इन हेंस फोर्थ दे शुड शो लॉट्स ऑफ पॉइज। थैंक यू। थोड़ा पीछे आ जाओ ना, नहीं कर रहे हो ना? पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ प्लीज। अरे तुम्हारा मुंह दिख रहा है, देख क्या है कैमरे में। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू स्टील दादा, थैंक यू। जी हाँ जी जी हाँ ऑफकोर्स। आज के दिन में अगर हमारे देश के प्रति हम संदेश ना दें तो, और सिर्फ यही बात कर जाएं जो हम म्यूज़िक के बारे में करें, तो अच्छी बात नहीं होगी। बहुत ही क्रिटिकल टाइम्स चल रहे हैं हमारे देश के। मैं कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं हूँ और मैं कभी भी नहीं रहूँगा, चाहे लोग कुछ बोलें, मैं युद्ध की फेवर में नहीं हूँ कभी भी। लेकिन अब हो रहा है तो अपने देश की फेवर में तो है, हम लोग हम देश की फेवर में हैं, जो देश करेगा हम उसकी फेवर में ही हैं ऑब्वियसली। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, पटाखे मत बजाया करो यार आप लोग। अभी पहली बार तुम्हें कुछ हुआ है फिर तुम फिर इंडिया 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 कर रहे हो, इंडिया ये वो, भलते भलते ट्वीट्स कर रहे हैं, एनरेज कर रहे हैं सामने वाले को, चढ़ा रहे हैं। आप चढ़ाओगे तो वो भी चिड़के आएंगे, उनकी कंट्री वाले उनको बोल रहे शेम 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 बोल रहे, फिर वो आके वो कर देंगे। कोई अंत ही नहीं इस चीज़ का। आप लोग जो अभी पहली बॉल डाल दी, बोलते हम जीत गए, अरे वहाँ से शॉट तो पढ़ना था उसको पहले। दिस इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ इंडियंस कि हम लोग ऐसे करते हैं कि बच्चे बन जाते हैं। एक अच्छा देश तमीज़ से रहता है, आपने कुछ किया है आप उसको क्लास से आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए, क्लास से आइए। टीवी में जो डिबेट हो रही है, क्या चल रहा है, मतलब बचपने वाली बातें। आई बिलीव दैट वी एज इंडियंस नीड टू रियली रियली ग्रो अप एंड कोई भी काम करें, अगर आप अपना बदला भी निकाल रहे हैं तो तमीज़ से निकालिए। आप बेइज्जती करके और पटाखे फोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। दिस इज एंड किसी की मौत का जश्न कैसे मना सकते हैं आप लोग? हमारे मरे या उनके मरे, हैं तो किसी के बच्चे, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। हम किसी के वो चाहे मिसलेड होंगे, वो गुमराह हैं, वो गंदी नीयत के हैं, पर ह्यूमन बींग्स हैं। आप किसी के मरने पर पटाखे कैसे बचा सकते हैं आप? सो आई बिलीव दैट वी हैव टू रियली ग्रो अप, हैव बिकम गुड पीपल। एंड आई थिंक ये सब चीज़ों के लिए एक बहुत समझदार मीडिया की भी ज़रूरत है, जो कि हम थोड़ा लैक कर रहे हैं सर। देखिए मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि हमारे देश के एक ही हीरोज़ हैं, वो हैं हमारी फौज, हमारे फौजी भाई,
जो अपने परिवार को छोड़कर, उन्हें पता है कि सारी ज़िंदगी में बहुत कम समय मिलेगा उन्हें अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का, लेकिन फिर भी छोड़कर वो देश में खड़े होते हैं हमारे लिए। और जब हमें पता चलता है कि यू नो, ऐसी पुलवामा जैसी घटनाएं होती हैं, तो ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ का अफसोस ज़रूर रहता है कि क्या हम लोग उनके लिए वो कुछ कर पाए जो उन्होंने हमारे लिए किया। सो ये वो समय होता है जहाँ पर सबको एक साथ इकट्ठा होना है, और जहाँ पर भी होंगे, स्वर्ग में बैठे होंगे वो लोग ये ज़रूर देखें कि जिन लोगों के लिए हम उन्होंने अपनी जानें दी हैं, क्या उन लोगों ने उनका परिवारों का, उनके देश का उतना ध्यान रखा है या नहीं रखा। सो आई थिंक एज इंडिविजुअल से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपने, कितने भी आप बिज़ी हों, कितने भी रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हों, अब बाहर निकल कर अपने सब कामों को छोड़कर उन परिवारों के लिए ज़रूर कुछ करें। जैसा मैंने अभी बोला कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ गुरु नानक पंजाबी सभा जी का और जो गुरु नानक मिशन हाई स्कूल है, कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया सिद्धू साहब से के साथ बैठने का। हमें बड़ी खुशी महसूस होती, बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उन हीरोज़ के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे हमारी परिवार के लिए आज यू नो, इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स आर ड्यूटी टू डू आर बिट, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उन सभी परिवारों तक अपनी जो भी हमारी रीच है वहाँ तक पहुँचा सके, एंड वो जहाँ भी रहें खुश रहें। मैं जैसे बताया कि मैं शायद हर परिवार में, हर घर में ना पहुँच पाऊँ, लेकिन मेरे मोगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं से जयमाल सिंह, जो शहीद जयमाल सिंह जी हैं, मैं हर रोज़ उनके परिवार से बात करता हूँ। उनके फादर जसवंत सिंह हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि एक बेटा 18 साल बाद हुआ था उनकी मैरिज में, 5 साल का बेटा है उनके, और अखंड पाठ करके उनका रोज़ का गुजारा चलता था। तो मैं अभी मिल रहा हूँ अगले वीक उनसे, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी उनके परिवार के यू नो, एजुकेशन की बात हो या जो भी मैं कर सकूँ, ताकि ताज़ ज़िंदगी उन्हें कभी भी प्रॉब्लम ना आए। और छोटा सा बिट है, बट आई थिंक हर किसी को जहाँ तक उनकी रीच है, जहाँ तक उनकी पहुँच है, उन परिवारों तक पहुँचने की हमें पहुँचना है, और ये मैसेज स्प्रेड करना है कि हम हर एक जो इंडिविजुअल, हर एक सैनिक जो हमारा देश के लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, पूरा देश उनके साथ है। सोनू भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आज आप स्कूल में, जिस तरीके से बच्चों के साथ आपका जो इंटरेक्शन रहा, आपके कुछ स्कूल के डेज वापस, आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा हुई थी, मेरे मदर खुद प्रोफेसर रहे, उन्होंने एक चीज़ हमेशा बताई थी कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं कभी कॉलेज में भी अगर एक मिनट लेट होता था, मुझे क्लास में एंट्री नहीं मिलती थी, मेरे मदर खुद मेरे को घुसने नहीं देते थे। सो आई थिंक वो जो सिखाई हुई सीख थी, आज भी हमारे प्रोफेशन में भी बहुत काम आती है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने ज़रूर सिखाई थी कि आपके माता पिता आपके लिए इसलिए आपको प्यार करते हैं क्योंकि अपने माँ बाप हैं, लेकिन एक सोल्जर आपको बिना किसी कारण आपके लिए यू नो, जान देने के लिए खड़ा हुआ है। तो सबसे बड़े जो माता पिता हैं, सबसे बड़े जो रक्षक हैं, वो आपके सोल्जर्स हैं। सो आई सल्यूट ईच एंड एवरी आर्मी मैन। देखिए सुधू साहब, वुड बी बेटर टू आंसर ऑन दैट, बट या बहुत रोष ज़रूर है हमारे बीच में, और ऐसा लग रहा है कि यू नो, हम लोग बार बार अपने यू नो, शहीदों की जो जान निछावर होती है, फिर थोड़े समय के लिए बहुत गुस्सा आता है, और फिर हर रोज़ की तरह लोग बिजी हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं इसका अंत होना ज़रूरी है। बट आई एम श्योर कि हम लोगों से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो एक कॉल ले सकते हैं कि कैसे और कब ये जो लड़ाई है, जो ये नफरत की लड़ाई है, ख़त्म होगी। तो आई एम श्योर कि आने वाला समय जो है वो सभी के लिए अच्छा रहेगा। सोनू जी, एक सवाल कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ का, कुछ एक्टर्स का कराओके ऑपरेशन किया गया, जिसमें दिखाई दिया कि कई सारे बॉलीवुड कलाकार जो है वो बिक रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, इसके ऊपर आपका क्या सवाल? मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर अभी दूंगा इस शॉर्ट के, बट आई वुड से कि क्योंकि बड़ा ये इमोशनल सा प्लेटफॉर्म है, सो आई थिंक वी शुडंट डिस्कस दैट एंड टेक अवे फ्रॉम इट, बट डेफिनेटली आई विल गिव यू एन आंसर आफ्टर वी आर डन विद दिस। सर, आपसे मुकेश जी, आपसे अगर आप कुछ। हाँ, हम ये जो आपने सवाल बताया, बदला लेने वाली बात जो है, जो फोर्सेज हैं जैसे सोनू जी ने बताया है, वो डिसिप्लिन में काम करती हैं, वो हुक्म की तामील करती हैं, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा उनको हुक्म दिया जाता है, उसी ऊपर कार्रवाई होती है। हाँ, अब जैसे हम जन आक्रोश देख रहे हैं,
उससे ये लगता है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी जनता ही बनाती है, हम लोग मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, हम वोट देते हैं, अपने नुमाइंदों को चुनते हैं हम, तो जो जो जनता है, जो देश के लोग हैं, वो ऐसे नुमाइंदे चुनेंगे, ऐसी सरकार बनाएंगे, तो वो ज़रूर सरकार ऐसा कोई फैसला लेगी जिससे कि इन समस्याओं का अंत होगा, आतंकवाद का अंत होगा। मुझे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं सोनू जी ने जो कहा, माइक दे दो, माइक दे दो, ये सर ये ले, नहीं आएगा वो, नहीं चलिए मैं जोर से बोल देता हूं, भाई बहुत है आप चिंता नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जो सोनू ने कहा है, लेकिन मुझे हम लोग कई बार चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें गवा के हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है, लेकिन इस बार जो हो रहा है ये चीज़ें कई सालों से चली आ रही थी, कई सालों से हमारे फौजी सेक्रीफाइस हो रहे थे लेकिन जंग में नहीं हो रहे थे, कोई सो रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, ये जो बातें थी ये अभी मुझे लगता है कि आम जनता तक पहुँच गई हैं और उनके दिल तक पहुँच गई हैं, उन्हें इस बात का गुस्सा है, आक्रोश यही है कि ये जंग नहीं है, इसे जंग नहीं कहा जाता, हम लोग अपने लोगों को इस तरह इस काम के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ओवर द जितने सालों से चल रहा था वो आते आते आम जनता तक ये बात पहुंच गई है कि ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत बात है, तो जनता का जो जुड़ना जो है हमारी फोर्स के साथ, मैं इसे बहुत ही वेलकम चेंज कहूँगा, और मुझे बेहद खुशी है कि हम सब के दिलों में इमीडिएटली जब भी कोई बात ऐसी होती है, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ फोर्स के लिए, या फोर्स मुझसे कुछ कहती है तो मैं उनका पैगाम कहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ, ये भी मेरी ड्यूटी बन जाती है, तो मुझे लगता है कि जो हमारा समाज जो जुड़ा है इन हरकतों के बाद जो फौजियों के साथ में, मुझे उसकी बेहद बेहद खुशी है, और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि और यूनाइट होंगे हम लोग, सिविलियन हैं हम लोग इस बात के लिए यूनाइट होंगे कि हमें अपनी फौज का साथ देना है, अगर वो हमें कोई हुक्म देते हैं, हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, तो हमें भी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए, तो जितने भी हमारे सोल्जर्स की फैमिली सेक्रीफाइस जो हुए हैं, मेरी विशेष उनकी फैमिली के साथ में है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग, इनको आगे भी आना चाहिए, और उन फैमिलीज़ के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, इस वक्त जब घर का आदमी कोई लूज़ होता है तो एक कमज़ोरी पैदा होती है, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब लोगों की एक फ़र्ज़ बन जाता है कि उस फैमिली को इतनी ताकत दें, कमाल के लोग हैं, आप देखते हैं कि कहने के बाद किसी ने ये नहीं कहा कि हम लोग कसम खाते हैं कि हम आज के बाद हमारा बच्चा फौज में नहीं जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा, छोटी बच्चियों ने कहा कि मैं फ़ौज में जाने के लिए तैयार हूँ, ये जो बात है, ये जो डिसिप्लिन है, ये वहीं रह के सीखा जा सकता है, तो ये कमाल का डिसिप्लिन है, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं आम आदमी से कहूँगा कि जुड़िए इन चीज़ों के साथ में, जुड़िए, और हम फौज के साथ में हैं, जैसे हमें हुक्म होगा हम बराबर बजा लाएंगे। सर, ऑपरेशन कराओ के हुआ था बॉलीवुड का, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में बॉलीवुड के देखिए ये चीज़ें बहुत सालों से होती चली जा रही हैं, मैं भी बहुत से लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन दोस्तों के लिए करता हूँ, कोई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो मैं तो उससे बिल्कुल कहूँगा ये गलत बात है। थैंक यू सर।